इस जमाने की ये टेढ़ी नस्ल जो है जापानी मजहब से पैदा, रात को सोते वक्त पलीत कपड़े पहन लेते गंदे। पूछो ये क्या है, कहते ये तो रात के सोने के, रात को तू काफिर होता है क्या, रात को मुसलमान नहीं होता। तुम्हें रात का पता है, रात क्या चीज है, रात मौत का लम्हा है। अहमकुल्लजी, रात को तो गुसल करके सोया करो, नमाजें पढ़ के कि अल्लाह खैर और आफियत से उठ जाओ। बहुत दुख होता है बीमारियों की वजह से भी और लोगों की बेतवज्जी से भी, मेरी जबान सख्त हो रही है, मुझे बड़ा दुख है और अफसोस है इस बात का। अच्छे खासे को देख के कहते रात की, मैंने कहा रात के कपड़े क्या मतलब है, पलीत कपड़ों में पलीत आदमी सोता है तो आप ईमान से रात को निकल जाते हैं, सुबह उठ के फिर मुसलमान हो जाते हैं। तू लानत हो ऐसी जिंदगी पर। और ये किस से सीख रहे हैं, कौन है जो आपको कहता है कि रात को पलीत गलीत सो जाए। बहुत अफसोसनाक बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। रात को सोते वक्त बावजूद दुआ पढ़ रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अलजातु इलैका जहरी व फवस्तु अमरी इलैका रहबतन व रहबतन इलैका ला मलजा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैका आमंतु बि किताबिकल्लज़ी अंज़ल्ता व बि नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। उम्मत को कहा है कि आप लोग सूरह बकरा के अव्वल व अखीर पढ़ लें, पूरी रात की इबादत मिल जाएगी। कहते हैं कि रात को जब बावजू सोए दुआएं पढ़ करके तो मलाइक उसके पलंग पर पैरा देने आ जाते हैं। ये खास बंदा है अल्लाह ताला का, भाई ये तो लाडला है, वीआईपी आदमी है। इसलिए कि जब रात को आदमी सोता है तो सुन्नत दुआएं है कि बिस्म का अमूत व आहया, खुदाया तेरा नाम ले के मैं सो रहा हूं। तो सोने के लिए सीधा इस्तेमाल हुआ है अमूतों का, माता अमूतों के माने मर जाना। हो सकता है कि ये नींद और ये आज की रात आखिरी हो। उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। पता तो चलता नहीं, ऐसे कितने लोग सो गए और सुबह उठ ना सके। इसलिए सच्चे पैगंबर ने सच्ची उम्मत को सच्ची रहनुमाई दी कि रात को सोते वक्त दुआ मांगो कि अल्लाह तेरा नाम लेके मैं दोबारा उठूंगा। और उसको भी हयात कहा है, बिस्म का अमूत व आहया, अभी तो तेरा नाम लेके सो रहा हूं जैसे मर रहा हूं, और इस नींद के बाद जब मैं उठूंगा जैसे मरने के बाद कोई उठ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह। या रब्बे सल्ले व सल्लिम अलैहि।